डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि मैं आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, आपका कंपलसरी पेपर फर्स्ट है, के दूसरे यूनिट में शिक्षा की पृष्ठभूमि मैं पढ़ा रहा था। उस पृष्ठभूमि में कल मैंने आपसे वैदिक काल पर चर्चा की थी कि वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श में डॉक्टर एस अल्टेकर की परिभाषा मैंने आपको बताया था। आज हम आपको वैदिककालीन संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा जो वैदिक काल था उस समय दो तरह की शिक्षाएं थीं, एक प्राथमिक शिक्षा थी और दूसरा उच्च शिक्षा थी। प्राथमिक शिक्षा वह बालक के घर पर हुआ करती थी, यानी विद्यारंभ संस्कार से संस्कारित होने के बाद उस दिन से बच्चे की प्राथमिक शिक्षा शुरू होती थी। और वैदिक काल में एक संस्था चारण की बात आती है, चारण एक अव्यवस्थित संस्था थी, जैसा आज हमारे आप सबके यहाँ होम ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, ठीक उसी तरह से वैदिक काल में बालक के विद्यारंभ संस्कार के पश्चात चारण नामक संस्था का नाम देकर के ब्राह्मण वर्ग के लोग शिक्षा पर पूर्ण अधिकार था। वे लोग घर घर जाकर के बच्चे को पढ़ाया करते थे और जब उनकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब वो बच्चे का प्रवेश गुरुकुल यानी उच्च शिक्षा के लिए उसे घर पे नहीं बल्कि गुरुकुल में जाना पड़ता था। तो आइए सबसे पहले हम आपको गुरुकुल का जो विद्यालय था उसकी स्थिति और उसके स्वरूप के बारे में आपको हम बताते हैं। प्रारंभ में वैदिक काल की जो गुरुकुल आश्रम परंपरा रही, विद्यालय जो परंपरा रही, वह गांव यानी जन समुदाय से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में किसी नदी के, किसी झरने के किनारे ये गुरुकुल स्थापित होते थे। परंतु जब हमारे देश में उत्तर वैदिक काल आया तो बड़े बड़े गांव और तीर्थ स्थानों के निकट भी ये गुरुकुल स्थापित होने लगे थे। और यह गुरुकुल पूरी तरह से आवासीय होते थे और इनके अपने नियम होते थे। हम आपको आगे इसमें गुरुकुल के पूरे नियम निर्देश बताएंगे और उनके अपनी कार्यपद्धति हुआ करती थी। वैदिक काल में अनेक प्रकार के गुरुकुल होने का उल्लेख भी मिलता है, जिन गुरुकुलों में केवल भाषा और साहित्य की उच्च शिक्षाएं दी जाती थीं उन्हें टोल कहते थे। जिनमें भाषा, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र का ज्ञान कराया जाता था उन्हें घटिका कहते थे। मतलब ये गुरुकुल हैं, गुरुकुलों के नाम हुआ करते थे। जिनमें किसी वेद के किसी अंग विशेष का जब विशिष्ट ज्ञान कराते थे तो उन्हें चारण कहते थे। जिनमें चारों वेद
शास्त्र, दर्शन, पुराण, व्याकरण, राजनियम आदि की शिक्षाएं दी जाती थीं, उन्हें चतुष्पथी कहते थे। मतलब इस तरह से हमारे वैदिक काल में जो गुरुकुल की जो परंपरा रही इस तरह से थे। अब हम आपको ये बताते हैं कि एक विद्यार्थी का गुरुकुल में प्रवेश कैसे होता है, प्रवेश की पूरी विधि हम आपको बताते हैं। बालक, क्योंकि इसमें तीन वर्ण के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। और इस गुरुकुल में प्रवेश वर्ण के बच्चों का भिन्न भिन्न आयु स्तर के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार इनका गुरुकुल में प्रवेश होता था। जैसे ब्राह्मण वर्ग का जब बालक 8 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेता था, क्षत्रिय वर्ण के 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता था और वैश्य वर्ण के बच्चे जब 12 वर्ष की आयु पहुँचते थे तब इन्हें गुरुकुल में प्रवेश के लिए गुरुकुल जाना पड़ता था। तो जब गुरुकुल में ये प्रवेश के लिए जाते थे तो वहाँ जो भी बच्चे जाते थे उनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का अर्थ होता है समीप लाना, अर्थात बच्चे को गुरु को सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था और सर्वप्रथम बच्चे को घर के जो वस्त्र पहनते थे उसको उतार करके एक तपस्वी के भांति, एक ब्रह्मचारी की तरह उन्हें वस्त्र पहनाए जाते थे। फिर उन्हें मेखला धारण कराई जाती थी, उनके हाथ में समिधा दी जाती थी और गुरु के सम्मुख उपस्थित होते थे। तो गुरु बच्चे से प्रश्न करता था, कस्य ब्रह्मचार्यस्य, अर्थात तुम किसके ब्रह्मचारी हो। बच्चा उत्तर देता था, भवता, अर्थात आपका। इसके बाद वह गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता था लेट करके। फिर गुरु उसकी बाहों पर, भुजाओं पर हाथ थोड़ा पुश करके उठाते थे तो जमीन में वो पलथी मार करके, और यज्ञ वेदी हुआ करती थी, उस यज्ञ वेदी के सामने आसन पर बैठा दिया जाता था। वेद मंत्रों से देवों की आराधनाएं की जाती थी और बच्चे को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कराया जाता था। यज्ञोपवीत भी तीनों वर्गों के, तीन तरह के थे। ब्राह्मण वर्ग के बच्चों को मूंछ की, क्षत्रिय को लौह की और वैश्य को ऊन की मेखला धारण करनी पड़ती थी। इसके उपरांत वह बच्चा गुरुकुल के नियमों और ब्रह्मचर्य के व्रत का वो पालन करने का वचन देता था और गुरु से, गुरुकुल में अपने एक शिष्य के रूप में स्वीकार करता था और उसके आवास, भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था करने और उसके सर्वांगीण विकास करने के लिए गुरु अपने उत्तरदायित्व के अनुसार उन्हें अपना मान करके, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में मान करके उन्हें अपनाता था। उसके बाद आपको हम बताएं कि गुरुकुल की दिनचर्याएं कैसी हुआ करती थीं और शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है और गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको गुरुकुल की दिनचर्या बताते हैं, क्योंकि बच्चे का प्रवेश हो गया
प्रवेश के बाद गुरुकुल की दिनचर्या समझ लें, फिर पाठ्यक्रम आपको बताएंगे, फिर आपको किस मेथड से गुरुजी इनको पढ़ाया करते थे, एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे। अब आपको गुरुकुल में जब इनका प्रवेश हुआ तो अब गुरुकुल में इनको रहना कैसे है, तो गुरुजी इनको बताया करते थे। तो क्योंकि वैदिक काल में गुरुकुलों की जो दिनचर्या थी बहुत नियमित और बहुत कठोर थी, गुरु और शिष्य दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। प्रत्येक ब्रह्मचारी को आदेश था गुरु की तरफ से कि गुरुदेव के उठने से पूर्व सभी ब्रह्मचारी को बिस्तर छोड़ देना होता था। शिष्य अपने नित्यकर्म से निवृत्त होकर के कार्य विभाजन के अनुसार गुरु के स्नान पूजा पाठ की व्यवस्था करना, गुरु गृह और गुरुकुल की व्यवस्था करना, भिक्षा के लिए जाना है, जंगल में लकड़ी काटना है, जल के स्रोतों से आपको गुरुकुल में जल लाना है, इस तरह से उनके कार्य सब बटे रहते थे। और उसके बाद फिर इनको शिक्षण भी कार्य करना है, क्योंकि आज के भांति जैसे आज हमारे यहाँ के पास विद्यालयों में शिक्षण कक्ष हैं, वेंटिलेटर हैं, चाहे जिस तरह की रेतुएँ हों हमको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं है, लेकिन वैदिक काल में गुरुकुलों में शिक्षण कक्ष उपलब्ध नहीं थे। शिक्षण कार्य करने के लिए खुले मैदानों में पेड़ों की छाया में हुआ करता था। मध्याह्न में यानी दोपहर में जब भोजन बनता था तो गुरु और शिष्य दोनों एक साथ करते थे और फिर विश्राम करते थे, फिर शिक्षण कार्य होता था। इसके बाद सूर्य जब यानी सायंकाल होती थी तो रात्रि में जो शिष्य हुआ करते थे गुरु की सेवाएं करते थे, गुरु के आश्रम की गायों को चराया करते थे, साफ सफाई करते थे। भिक्षाटन करना प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए एक नियम बना हुआ था कि आज कौन गया, कल कौन जाएगा, परसों कौन जाएगा, इस तरह से वो सर्कुलेट होता था। उस भिक्षाटन के पीछे गुरुजी की एक बहुत बड़ी मंशा थी, क्योंकि जब गुरुकुल का विद्यार्थी उसका जो जीविक मतलब भोजन है भिक्षा पर जब डिपेंड होता था तो उसके अंदर विनय का भाव आता था, और भिक्षा भी मांगने जब गांव जाया करते थे ब्रह्मचारी तो उनके भी बड़े सख्त नियम थे। और जैसे रास्ते में जा रहे हैं भिक्षा लेने के लिए तो वहाँ पर जैसे कोई नौटंकी हो रही है, कोई खेल हो रहा है, कोई तमाशा हो रहा है, या कोई महिला आ रही है, तो उसके करीब नहीं जाना है बल्कि अर्ध गोलाकार घूम करके जाना है। और जिस दरवाजे पर आप जाएंगे वहाँ आप सिर उठा के नहीं देखेंगे कि आम की झोली में किसने भिक्षा डाल दी है। और यदि आप 5 मिनट तक आप किसी के दरवाजे पर रुके, यदि भिक्षा नहीं मिली तो वहाँ आप खड़े नहीं रहेंगे, किसी दूसरे दरवाजे पर आप चले जाया करेंगे। यानी गुरुकुल का संपूर्ण जो वातावरण है वो पूरी तरह से आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। यानी आपको गुरुकुल क्या है, गुरुकुल में हमारा प्रवेश कैसे होता है और गुरुकुल की दिनचर्याएं कैसी हैं, कैसे हमें रहना है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। कल आपको इसके अगले बातों को और हम बताते हैं।